गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 13th of January 2023। कल मार्केट वाज वेटिंग फॉर यूएस सीपीआई डेटा आने के बाद डॉलर इंडेक्स में और भी वीकनेस बरकरार था। डॉलर इंडेक्स फेल फर्दर। यूएस सीपीआई जो था 6.5% आया है, बेटर देन द प्रीवियस नवंबर प्रिंट व्हिच वाज एट 7.1%। सो उसके लिए ये जो आपका डॉलर इंडेक्स है वो लो आया है आपका 102.24। अभी आप देखोगे मंथली टर्म से अगर हम देखेंगे तो दिस वाज द क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल अर्लियर फ्रॉम 2016 से ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। कौन सा रेजिस्टेंस लेवल? आपका 102.25 से 103.75 तक। दिस इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ये डॉलर इंडेक्स ने ब्रेक किया इन जून 2022। इसमें ब्रेक करने के बाद 103.75 से ये टॉप मारा था आपका 114.77। सो 11 बेगिस का एक अपवर्ड स्ट्रेंथ देखा था डॉलर इंडेक्स पे। देयर आफ्टर आपका अक्टूबर ऑनवर्ड्स इट्स स्टार्टेड कूलिंग ऑफ। सबसे ज्यादा कूल ऑफ हुआ था इन द मंथ ऑफ नवंबर। देन दिसंबर में भी थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस देखा गया एंड फर्दर जनवरी में ये चल रहा है। ये जो मंथली है इट इज शोइंग दैट इट इज एट द लोअर एंड ऑफ द प्रीवियस रेसिस्टेंस, नाउ एक्सपेक्टेड टू बी ए सपोर्ट लेवल। लेकिन सपोर्ट बोलने से तो होगा नहीं, सपोर्ट क्या दिख रहा है? अभी तक यहाँ पे कोई सपोर्ट का नामो निशान है नहीं, ना ही आपका मंथली चार्ट पे है, ना ही आपका वीकली चार्ट में कुछ सपोर्ट लेवल्स दिख रहा है। डेली में भी कोई सपोर्ट का नामो निशान है नहीं, रेदर इट वॉज ट्राइंग टू कंसोलिडेट अराउंड 103.5060 लेवल पे कंसोलिडेट। तब एक लग रहा था कि क्या ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा या नहीं, लेकिन कल के डेटा के बाद और भी नीचे सॉफ्टनेस दिखा गया, वीकनेस दिखा गया डॉलर इंडेक्स पे। तो ऑल्दो दिस इज 102.50 द लोअर बैंड ऑफ द दिस प्रीवियस रेजिस्टेंस, नाउ एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ सपोर्ट, ये जोन पे क्या सपोर्ट दिखता है हमें इंतजार करना पड़ेगा। जब तक सपोर्ट नहीं दिखता है तब तक हम डॉलर बुलिश के बारे में कोई सोच नहीं सकते, रेदर वीकनेस बरकरार रह सकता है। डॉलर रुपी में हम देखेंगे कल ड्यूरिंग द डे हमारा इंडियन मार्केट टाइमिंग्स में डॉलर रुपी का जो रेंज था ओपन एट 81.63, ट्रेडेड हाई ऑफ 81.75, लो ऑफ 53.5 and finally closed at 81.55. And during the US markets, ये और भी soft हो चुका है, currently ये दिखा रहा है 81.08. देखने वाला बात ये है कि during the day, we saw invisible hands buying during the market. अच्छा खासा buying था, लेकिन फिर भी strength के against में ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है. So आज भी हम every deep level पे invisible hands are expected to buy here. Hope everybody understands the meaning of invisible hands. लेकिन ये buy करने के बावजूद भी means नीचे ही आ रहा है because the overall the weakness in dollar index which lead to sharp rise in euro dollar and other related currencies. तो इसीलिए dollar rupee में इसका sell off भी जारी है, but during the day इनविजिबल हैंड्स के बाई के कारण हमें सेल ऑप्टिक्स का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, चाहे वो 5 मिनट के चार्ट हो, 15 मिनट के चार्ट हो या 1 घंटे के चार्ट हो। लुक फॉर सेल ऑप्टिक्स, दैट इज द मंत्रा एज ऑफ नाउ टिल देयर इज ए शिफ्ट इन परसेप्शन। जीबीपी डॉलर में आपका देखोगे कल एक रेंज हुआ है, वो है 1.2084 एंड 1.2247। यहाँ पे आप RSI टर्म्स में देखो इट इज अप्रोचिंग 60, दैट इज वाई यहाँ पे एक शार्प राइज है नहीं इन कंपैरिजन टू यूरो डॉलर।
यूरो डॉलर में आप वीकली चार्ट पे हमें क्या मिल रहा था, वीकली चार्ट में फर्स्ट सपोर्ट एट 60, दैट बीइंग द केस वी आर एक्सपेक्टिंग ए शार्प मींस अप मूव इन हायर डायरेक्शंस। मंथली पे भी अगर रेजिस्टेंस की कोशिश करेंगे तो काफ़ी रूम है ऊपर जाने के लिए। दैट बीइंग द केस यूरो डॉलर पे और भी प्रोबेबिलिटीज हम देख सकते हैं। इमीडिएटली जो हमारा 108 रेजिस्टेंस था वो तोड़ के ऊपर चला गया है एंड करेंटली नेक्स्ट रेजिस्टेंस वी एक्सपेक्ट इज 1.0950 से 1.10 की तरफ। सो कहने का मतलब यूरो में स्ट्रेंथ बरकरार है, कितना शार्प राइज दिया हुआ है, लेकिन जीबीपी डॉलर पे वैसा शार्प राइज दिखा नहीं है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे ये हेजिटेट कर रहा है। डेली टर्म्स में आरएसआई अप्रोचिंग 60, वीकली टर्म्स में भी अप्रोचिंग 60, मंथली पे अभी जस्ट ट्राइंग टू ओवर अराउंड 40-42 लेवल्स। सो यहाँ पे ज़्यादा कुछ स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू यूरो हमें दिख नहीं रहा है। दैट मीन द केस यूरो स्ट्रॉन्ग है, जीबीपी इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है, तो यूरो जीबीपी पे आपको ट्रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती। सो यूरो जीबीपी पे आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग का मिल सकता है। अभी आते हैं जीबीपी आईएनआर 99.05। ऑल्दो जीबीपी में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा गया, लेकिन रूपी में काफ़ी वीकनेसेस है। दैट बीइंग द केस आपका जीबीपी आईएनआर पे थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अभी आप जो देखोगे कि फ्रॉम दिस लेवल डेटेड 26 सितंबर से आपका 14 दिसंबर तक एक कंटिन्यूस हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बनाने के बाद यहाँ पे एक लोअर हाई एंड लोअर लो बनाया हुआ है। अभी नेक्स्ट जो हमारा देखने वाला बात ये है कि इस लो को, स्विंग लो को अगर तोड़ता है तो इट विल कंफर्म द कंटिन्यूटी इन लोअर हाई लोअर लो, वहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा एंड वी कैन प्ले फ्रॉम सेल एप्टिक्स टाइप। यूरो डॉलर में भी ऑलरेडी हमने देख चुका है काफ़ी स्ट्रेंथ है, यूरो आईएनआर पे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है बिकॉज इक्वली रूपी स्ट्रेंथन हो रहा है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट का आप देखोगे यूरो आईएनआर पे आपका डेली टाइम फ्रेम में एक रेंज शिफ्ट का प्रयास आ रहा है। रूपी स्ट्रेंथ आ रहा है, यूरो जब तक तेजी में रहेगा तब तक यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन टाइप का हो जाएगा, और जैसे ही यूरो डॉलर में थोड़ा सा सेलिंग इंडिकेशंस दिखेगा तो ये एक शार्प फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आता है डॉलर येन, डॉलर येन में ज़बरदस्त सेल ऑफ दिखा गया है। यहाँ पे आप देखोगे कल तक हमारा जो एनालिसिस था ये आपका 130.50 से 131.00 के बीच में एक सपोर्ट लेके हम चल रहे थे, और हम देख रहे थे कि क्या ये इस रेंज को सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसका राइट शोल्डर अभी तक फॉर्म हुआ नहीं था, एंटिसिपेशंस हम कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कल के सीपीआई डेटा के बाद ये सपोर्ट भी तोड़ के नीचे चला गया है एंड इट ट्रेडेड लो ऑफ 128.85 कल, एंड आज के दिन में अभी तक जो लो मारा है 128.65। दैट मीन द केस यहाँ पे और भी सेल ऑफ चल रहा है। जब तक यहाँ पे कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं दिखता है तब तक हमें यहाँ पे सेल ऑप्टिक्स ही देखना है। येन आईएनआर पे अगर आप देखोगे तो करेंटली ये 6282 पे है, यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, आइए देखते हैं RSI, डेली RSI इज ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60। एक झलक पहले वीकली में भी देख लेते हैं, वीकली अबव 60 है, मंथली भी एट 50 है। सो वीकली में तेजी है लेकिन मंथली में उतना ज़्यादा आपका तेजी दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो डेली का जो हम देख रहे हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेंज शिफ्ट, यानी व्हाट इट मींस नीचे की तरफ एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट बीइंग द केस आने वाले दिनों में एक नेगेटिव कैंडल अगर हमें फॉर्म होता हुआ दिखता है लाइक दिस एंड ब्रेकिंग द दिस रिसेंट स्विंग लो व्हिच इज एट 0.6140, उसके लो के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो यहाँ पे एक जबरदस्त सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबरदस्त सेल ऑफ बोले तो कहाँ से कहाँ तक के लिए,
एक इंडिकेटिव जो लेवल हो सकता है अपना, पॉइंट 5950 तक हम एक सेल्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन की एक दिस टाइप का नेगेटिव कैंडल जो आपके रिसेंट स्विंग लो के नीचे 0.6140 के नीचे दे दे। इन सच ए सिनेरियो वी मे एक्सपेक्ट ए शार्प सेल्फ टुवर्ड्स 0.5950 की तरफ। अभी तक वो फॉर्मेशन आया नहीं है, ओनली सर्टेन कंडीशन, ये कंडीशन फुलफिल होगा देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट ए शार्प सेल्फ। डॉलर कैंडी जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन था कि पहला ये रेंज ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक आने का, दैट इज आपका 1.3350, वो ऑलरेडी आ चुका है, पहले भी आया था 9 जनवरी को एंड उसके बाद कल भी आया हुआ है। आप देखो कि मेरा प्रीवियस जो कैंडी का एनालिसिस था वहाँ पे हमने देख रहे थे कि RSI डेली में भी रेजिस्टेंस ले रहा है 60 पे, आपका वीकली में भी 60 में रेजिस्टेंस ले रहा था एंड मंथली में भी रेजिस्टेंस ले रहा था। दैट मीन द केस वी आर एक्सपेक्टिंग ए सेल ऑफ सब्जेक्ट टू द कंडीशन। क्या कंडीशन था ये? आपका जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, ये रेड कलर का जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था उसके ब्रेक के बाद हमें एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक शार्प सेल ऑफ मिले। तो उसके बाद यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन हुआ था डेटेड 23 दिसंबर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी था नहीं ड्यू टू हॉलीडेज, क्रिसमस एंड न्यू ईयर हॉलीडेज, तो मार्केट थोड़ा साइडवेज गया। एक बार साइडवेज होने के बाद फिर सेल ऑफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वी मे एक्सपेक्ट आवर नेक्स्ट टारगेट टूवर्स 1.3225 के तरफ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। एनी अपटिक मे बी सोल्ड ऑन डॉलर कैंडी। $80 में आप देखोगे, बेसिकली मंथली में देखोगे, ये पिछले 4 महीने का हाई है, 5 महीने का हाई है $80 पे, करेंटली 0.6963। और वीकली आप देखोगे RSI अप्रोचिंग 60, मंथली RSI इज एट 48, डेली RSI जस्ट होवरिंग अराउंड दिस वन, पहले ये रेजिस्टेंस ले रहा था उसके बाद तो के 64 के तरफ है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे ऑल्दो डेली पे थोड़े से स्ट्रेंथ है, लेकिन वीकली RSI इज अप्रोचिंग 60 एंड इन सच ए सिनेरियो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सॉफ्टनेस ऑन इमीडिएटली प्रोसीडिंग टुवर्ड्स 0.70 या 0.7050 की तरफ जाएगा, तो वहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी इस डॉलर CNH में अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है, ये अभी है 6.7735। यहाँ पे एक हमारा एक्सपेक्टेड सपोर्ट लेवल था, कौन सा लेवल था, ये यही लेवल 6.7273 से 6.7850 का एक सपोर्ट लेवल था। ऑलरेडी ये लोअर एंड को ब्रेक करके नीचे गया है, तो फर्दर यहाँ पे हमें सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिस इंस्ट्रूमेंट पे, लेकिन सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड। यहाँ पे कोई अगर CNH में ट्रेडिंग करना चाहता है तो सेल ऑप्टिक्स कर सकता है एंड वी एक्सपेक्ट सम मोर सॉफ्ट स्ट्रेंथ इन CNH। अभी अगर हम देखेंगे यूके ऑयल आप अगर देखोगे, हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस पहला तो ये रेंज शिफ्ट हो चुका था आपका, यहाँ पे रेंज शिफ्ट होने के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग सम अपवर्ड मोमेंटम एंड अपवर्ड मोमेंटम हुआ है। नेक्स्ट एनालिसिस हमारा क्या है कि प्राइस एक्शंस, पहले हायर लो, अभी एक जो स्विंग हाई है इसको तोड़ना पड़ेगा देन एंड ओनली देन। स्विंग हाई क्या है, $87 के ऊपर जैसे ही प्राइस ऊपर चला जाएगा देन वी मे, दैट मीन्स इट विल मेक हायर हाई ऑल्सो एंड इन सच ए केस क्रूड ऑयल पे हम कुछ स्ट्रेंथ देख सकते हैं। US 10-year ट्रेजरी काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, कल आपका ये लो मारा है आपका 3.4450, करेंटली 3.47। तो अभी तक ये जो स्विंग लो है वो एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट, क्या लो है आपका 3.42 लेवल्स, ये जो लो है इसको अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सपोर्ट की तरफ सपोर्ट एक्ट कर सकते हैं। जब तक इसके लो के नीचे मीन्स क्लोज नहीं दे देता है तब तक हमें यहाँ पे थोड़ा सा मीन्स साइडवेज कंसोलिडेशन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
एंड आप प्रीवियसली आप अगर मेरा यहाँ पे देखोगे एनालिसिस देखोगे 10 ईयर ट्रेजरी में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या ये यहाँ पे सपोर्ट रेन शिफ्ट करेगा या सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। यहाँ पे हल्का सा ऊपर गया था, ज़्यादा कुछ अपवर्ड मोमेंटम हमने देखा नहीं, लेकिन USCPA के बाद ये फर्दर फॉल हो चुका है। तो अभी इंतजार है इस स्विंग लो को तोड़ने के लिए 3.42, उसके बाद हम फर्दर ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस इंस्ट्रूमेंट। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये जो ओवरव्यू है ये आपको अच्छा लगा होगा। इन सच ए केस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर अमंग योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।